नमस्कार दोस्तों, आज केवीएस टीजीटी साइंस का पेपर था जिसमें आज मैं खुद पेपर देने गया था। बात करें यदि हम साइंस सब्जेक्ट की तो साइंस इजी टू मॉडरेट था, लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे कॉमन सब्जेक्ट की, जो चाहे साइंस का पेपर हो चाहे मैथ का, सब में पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आपको इंग्लिश के 10 प्रश्न देखने को मिले थे, जिसमें से फिल इन द ब्लैंक्स के कुल 3 क्वेश्चन थे, ठीक है। लेकिन ये एक ही लाइन का था, मतलब वन लाइनर क्वेश्चन जैसे थे, बहुत इजी जी थे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो क्वेश्चन था बहुत ही आसान था, ये भी आपको केवल रूल पता है यदि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं दोनों क्वेश्चन। एक्टिव पैसिव था सिंपल, केवल रूल याद है, बहुत ही मतलब लेट एट का यूज नहीं था, नॉर्मल एक्टिव पैसिव था, ठीक है, तो आप इसे कर सकते हैं। अरेंज दी सेंटेंस था, मतलब जंबल कर दिया था, आपको उसको अरेंज करना था ए बी सी डी ऑर्डर में। सिमिलर मतलब सिनोनिम से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, और फाइंड द एरर इन द सेंटेंस 1 क्वेश्चन था। तो इस प्रकार कुल 10 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके इंग्लिश से, ठीक है। हिंदी की बात करें तो उपसर्ग और प्रत्यय से 1 क्वेश्चन था, विलोम से 1 क्वेश्चन था, पर्यायवाची शब्द 1 था, संधि 1 थी, भिन्न शब्द पहचानना, ठीक है, यहाँ से भी 1 क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे था मित्रता, बचपन, बुढ़ापा, बूढ़ा, इसमें से भिन्न कौन है ये पहचानना था, ये भी 1 क्वेश्चन था। और 4 क्वेश्चन थे, एक गद्यांश दिया गया था छोटा सा 3 लाइन का, उससे 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। अब बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में एक किस प्रकार का क्वेश्चन था, जैसे यम प्लस यन, कहने का मतलब यम पुत्र है यन का, या यम मल्टीप्लाई यन, यम पत्नी है यन का, इस प्रकार करके 1 क्वेश्चन था, जिसमें उसके बाद ऑर्डर दिया गया था लगाना था। सिलोजिज्म से 1 प्रश्न था, ठीक है। वर्ग के चारों ओर लोग बैठे थे, मतलब ऐसे एक वर्ग था जिसमें इस प्रकार 8 लोगों को बैठाना था, 8ों की एक दिशा थी, फिर उसके बाद अरेंज करना था उनको, तो ये 1 क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, उनको ऑर्डर में बैठाना, फिर उसके बाद किसी के दाएं या बाएं कौन बैठा ये पूछा गया था, केवल 1 क्वेश्चन था। यदि आपको ये करना नहीं आता तो आप देख लीजिएगा कि यहाँ से आपको कितने क्वेश्चन पूछे गए, यदि एक ही क्वेश्चन है तो आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत यहाँ पे नहीं, क्योंकि काफी डिफिकल्ट था, ठीक है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, तो रीजनिंग के 5 क्वेश्चन थे, जिसमें स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से 2 क्वेश्चन थे और बाकी सबसे एक एक क्वेश्चन था। अगली बात करें कंप्यूटर की, तो एंटीवायरस से 1 क्वेश्चन पूछा गया था, पूछा था जिसमें इससे डीपीआई का फुल फॉर्म पूछा था, एमएस वर्ड से 1 क्वेश्चन था, ठीक है, इनपुट आउटपुट पहचानना था, ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम से 1 क्वेश्चन था, पहचानना था कि इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंटीवायरस में भी यही था कि ये 3 विकल्प दिए थे, पूछा था कि ये किस ग्रुप में आते हैं, तो वो एंटीवायरस ग्रुप में आते हैं। तो कंप्यूटर के भी जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान पूछे गए हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं समसामयिकी प्लस सामान्य ज्ञान से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से 1 क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार से 1 क्वेश्चन था आपका, गांधी जी की जो पत्रिकाएं हैं उससे 1 क्वेश्चन था, पृथकवादी आंदोलन 1986 इस पे आधारित 1 क्वेश्चन था, कि इसके द्वारा किस राज्य का गठन हुआ, मूल कर्तव्य से 1 क्वेश्चन था कि मूल कर्तव्य को कब जोड़ा गया, ऐसे कुछ था, हिमालय की चोटियां उसमें से कौन कौन सी चोटी भारत में, इससे 1 प्रश्न था, घर्षण बल से 1 प्रश्न था, दशमलव संख्या को हेक्सा दशमलव में बदलना 1 प्रश्न यहाँ से था, मिशन सागर से 1 प्रश्न था, और जीव विज्ञान का 1 प्रश्न था, यूकेरियोटिक प्रोकैरियोटिक आपको पहचानना था। तो ये कुल मिला के 40 प्रश्न ये हो गए कि जो मुझे थोड़े बहुत याद थे। इस प्रकार यहाँ पर मैंने 40 प्रश्नों के बारे में बताया, बाकी के जो 40 प्रश्न हैं उसमें आपको अधिगम बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि वहां से जो 15 प्रश्न थे ठीक वहीं से पूछे गए और बहुत ही इजी लेवल के थे, ठीक है, आपको बहुत डीप जाके नहीं पढ़ना है, और जो शिक्षा नीति है, ठीक है, चाहे वो 2020 की हो चाहे इससे पहले की हो, उसे भी आपको पढ़ के जाना है, बालक की जो एज है इसे भी आपको पढ़ के जाना है, एक प्रश्न पूछा गया था यहाँ से कि 0 से 6 क्या होता है, 6 से 14, ठीक है, ये अलग अलग जो एज पे अलग अलग उनका नाम है, ये भी आपका पूछा गया था, बालकों की वृद्धि में क्या महत्वपूर्ण है ये प्रश्न पूछा गया था, भावना
भावना किससे संबंधित होती है, यह भी प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, अध्यापक किशोर से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए थे। तो लेकिन जो भी प्रश्न पूछे गए थे वो बहुत ही टिपिकल नहीं थे, इजी लेवल के थे। यदि आपको इस विषय पे थोड़ा पकड़ है तो आप अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो जो जानकारी थी वो मैंने आपको दे दी। यदि आपका कोई और प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम उसका उत्तर देने की जरूर कोशिश करेंगे। जय हिंद दोस्तों।